दोस्तों आज 24 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिन स्कीम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए KVIC के द्वारा। तो रिसेंटली स्पिन स्कीम यानी कि स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, और इसको लॉन्च किया गया है टू मेक द पोर्टर्स सेल्फ सस्टेनेबल। जो भी कुम्हार है यानी कि पोर्टर्स, उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च करा है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, एंड इसको लॉन्च किया गया है पोल्ट्री सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत यानी कि स्पिन स्कीम के तहत KVIC मतलब ईजी लोन प्रोवाइड कराएंगे कुम्हारों को यानी कि पोर्टर्स को, और वैसे बैंक से लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो आते हैं प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंदर। ठीक है, तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, और इसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956, और ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के। तो KVIC से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो बोल्ड प्रोजेक्ट जिसका फुल फॉर्म होता है बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट्स, इसको लॉन्च किया गया था राजस्थान के उदयपुर से, मतलब एक विलेज जिसका नाम है निचला मांडवा, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। वहीं पे हनी मिशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड बी बॉक्सेस टू फार्मर्स, इसको भी KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। रीहैब प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीस, मतलब मधुमक्खी के इस्तेमाल करके जो भी ह्यूमन और एलिफेंट के बीच मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रखने के लिए रीहैब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था कहाँ पे? तो कर्नाटका के नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से। ठीक है, वहीं पे खादी प्राकृतिक पेंट जो कि इंडिया का पहला काउ डंग पेंट है, और ये एक इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक प्लांट एंड एंटी बैक्टीरियल मतलब प्रॉपर्टीज़ इसमें है। ठीक है, इस पेंट में जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, और इसको भी लॉन्च किया गया था KVIC के द्वारा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, इसको हेड कौन करेंगे? तो इसका ऑप्शन ए KE Kasturi Gangan। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करा है एक 12 मेंबर कमेटी, और इस कमेटी को 3 साल का वक्त दिया है टू कम्प्लीट द टास्क, मतलब इस टास्क को पूरा करने के लिए इस कमेटी को 3 साल का टेन्योर दिया है, याद रखेगा। और इस कमेटी को गठन किया है मतलब फॉर डेवलपिंग द न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF एंड टू रिवाइज द स्कूल टेक्स्ट बुक। तो स्कूल टेक्स्ट बुक को रिवाइज करने के लिए इसका गठन किया गया है, तो ये कुछ पॉइंट है इसको याद रखेगा। और इस कमेटी को हेड करेंगे फॉर्मर इसरो चेयरमैन जिसका नाम है KE Kasturi Gangan। तो KE Kasturi Gangan इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो NEP 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी, और इन्होंने रिकमेंड किया था टू डेवलप द न्यू NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी कि ऑफिशियल मोटो क्या है? तो इसका ऑप्शन ए टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो याद रखिएगा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो रिसेंटली बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक ने लॉन्च करा है अपना ऑफिशियल मोटो, और इसका मतलब ऑफिशियल मोटो रखा गया है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। वहीं पे टोक्यो ओलंपिक के लिए मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉगर एंड टुगेदर, और इसमें चौथा वर्ड जोड़ा गया था टुगेदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजोई सांस्कृतिक महोत्सव निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो बिजोई सांस्कृतिक महोत्सव इसको ऑर्गेनाइज करेंगे इंडियन आर्मी, और ये कहाँ पे किया जाएगा? तो कोलकाता में फ्रॉम 26 सितंबर टू 29 सितंबर। ठीक है, और इसका एम है टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ इंडो पाक वार ऑफ 1971। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन किसने रखी है? तो इसका ऑप्शन ए GE Kishan Reddy। तो रिसेंटली डेवलपमेंट फॉर परशुराम कुंड, और ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और अभी प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है GE Kishan Reddy। और इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है अंडर द पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद स्कीम, जो आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिल्सा मछली निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मछली यानी कि नेशनल फिश है? तो इसका ऑप्शन ए बांग्लादेश की।
तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश ने रिसेंटली 52 ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हिल्सा मछली को इंडिया में एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा। तो लास्ट ईयर इंडिया ने 1450 मेट्रिक टन हिल्सा फिश को एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश से, ठीक है। तो हिल्सा फिश, इसको पद्मार इलिस भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है तेनुलोसा इलिसा, ठीक है। और इस ये फिश पद्मा रिवर को इंडिया में गंगा के नाम से जानते हैं और ये फिश मतलब पद्मा रिवर में पाए जाते हैं जो कि एक सुपीरियर क्वालिटी में मतलब होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड 70% इस फिश को प्रोड्यूस करता है। तो बांग्लादेश आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है ढाका और मतलब प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक है। तो ये गंगा रिवर है, ठीक है। और गंगा रिवर को हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 चेंज मेकर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी फैरूज फैज़ा बीथर को, ठीक है। तो फैरूज फैज़ा बीथर जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती है और इनको रिसेंटली 2020 चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हर वर्क प्रोमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। और इस अवार्ड को दिया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को रिविजन कर लेते हैं। तो बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड रिसेंटली इसको शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। विटले अवार्ड 2021 वाई न्यूक्लू फॉर्म जो कि नागालैंड से है इनको मतलब दिया गया है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड साजी एन एम जो कि केरला से बिलोंग करते हैं इनको दिया गया है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद ने जीता है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कीर्ति के करंत को दिया गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जो मतलब फेमिलिया फॉरेस्ट्री जीता है जो कि राजस्थान के एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इसको पहली बार 2018 में सेलिब्रेट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ। तो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ ये सितंबर के लास्ट वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे विश्व में 70 मिलियन डीफ है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2021 की इसकी थीम है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर एक नया अध्ययन किसके द्वारा जारी किया गया है? अ न्यू स्टडी ऑन द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। तो इसका ऑप्शन सी पीयू रिसर्च सेंटर। तो एक स्टडी ऑन द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सिंस पार्टीशन यानी कि 1947, तो इसको कंडक्ट किया है पीयू रिसर्च सेंटर जो कि एक अमेरिकन थिंक टैंक है और ये कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में। तो इस स्टडी के कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। तो इसी में मुस्लिम के जो कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट थे ये घटा है यानी कि डिक्लाइन किया है। वहीं पे 1992 से लेकर 2015 तक फर्टिलिटी रेट को बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसमें हिंदू के फर्टिलिटी रेट 1992 में 3.3 थे जबकि 2015 में घट के 2.1 हो चुके हैं। मुस्लिम के 4.4 से 2.6, वहीं पर क्रिश्चन के 2.9 से 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की एवरेज फर्टिलिटी रेट है 2.2 एंड दिस 2.2 फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज़ स्टिल हायर देन द इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज लाइक USA। तो USA की मतलब फर्टिलिटी रेट है 1.6। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक लूनर क्रेटर का नाम निम्नलिखित में से किस एक्सप्लोरर यानी कि खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सी मैथ्यू हैंसन के नाम पर, ठीक है। तो एक क्रेटर जो कि मून यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल में स्थित है और इसका नाम रखा गया है मैथ्यू हैंसन के नाम के ऊपर और इस क्रेटर का नाम रखा गया है हैंसन क्रेटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि हैंसन क्रेटर किससे रिलेटेड है? तो मून से, ठीक है। और इसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो मैथ्यू हैंसन ये वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने मतलब दुनिया के टॉप पर पहुंचा था यानी कि पोल पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप की है? तो इसका ऑप्शन बी वीज़ा के साथ, ठीक है। तो रिसेंटली यस बैंक ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप किया है टू ऑफर
न्यू क्रेडिट कार्ड टू इट्स कस्टमर। तो अपने कस्टमर को न्यू क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करने के लिए येस बैंक ने किसके साथ किया है पार्टनरशिप, तो वीज़ा के साथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मास्टर कार्ड को बैन किया गया था टू इशू न्यू कार्ड्स, ठीक है। तो वीज़ा जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में,